आदि विधिवत शब्द ज्यो का त्यों रहे ऐसा बनाकर ब्राह्मणों और वैद्यों की सलाह से रखा और मां सरस्वती को पुकारा। लेकिन मृतक शरीर कब तक रहे, आखिर इसको जला दिया गया। किन सरस्वती की आराधना चालू रखी और मां सरस्वती प्रकट हुई, लीले फुट फुट कर रोने लगी, मां के संकेत से शांत हुई और अपने पति के वियोग का दुख सुनाने लगी। तब मां सरस्वती ने लीला को कहा कि चल मैं तुझे तेरे पति से मिला देती हूं। आंखों पे हाथ रखा और मां ने संकल्प शक्ति से उसका अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर निकाला। आप ये जो दिख रहे हैं वो आप हैं ही नहीं। अगर आप ये होते तो इसके मरने के बाद ये तो यहीं पड़ा रह जाता और आप स्वर्ग में जाते। तो अंतवाहक शरीर, अंतवाहक शरीर में क्या होता है? पांच कर्म इंद्री, पांच ज्ञान इंद्री, पांच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर होता है। जब तक इस शरीर में है तो फलाना भाई शरीर से निकल गए तो उसे प्रेत कहते हैं, प्रेत के लिए कर्म किया जाता है। जब तक शरीर नहीं मिला तब तक वो घूमता है तो प्रेत है। फिर सात्विक प्रेत, राजस प्रेत, तामस प्रेत, ज्यादा बदमाश हो तो ऐसा फिर प्रेत होने के बाद दूसरों को सताए। राजसी प्रेत होते हैं या सात्विक हो तो पीपल आदि अच्छी जगह पे रहते हैं, तामसी प्रेत होते तो उपद्रव वाले प्राण काम करते। तो सूक्ष्म शरीर लीलावती का लेकर सरस्वती जी आगे निकले और वो पीछे चलता गया। हजारों योजन, एक योजन में 24 कोस, 48 माइल, 76, 72, 78 जो भी होता हो किलोमीटर, एक योजन में समझ लो लगभग 80 किलोमीटर। तो ऐसे हजारों योजन ऊपर जाने के बाद ग्रह नक्षत्र चंद्रलोक और सूर्यलोक को लांघते हुए ये मंगल ग्रह और इन ग्रहों को लांघते हुए इस ब्रह्मांड को चीर कर दूसरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। साइंस नहीं जाएगी वहां। और जैसे ये सृष्टि ऐसी दूसरे ब्रह्मांड की सृष्टि में विचरण करते हुए उसी जगह पर लीलावती ले गई लीलावती को ले गई सरस्वती जी। जहां लीलावती को सुमरण आया कि ये मेरे बच्चे हैं और ये तुलसी का पौधा मैंने बोया था, ये प्रांगण में लीपती थी और ये मेरा घर था और मेरे पति का नाम यहाँ वशिष्ठ मुनि था और मेरा नाम अरुंधति था। राम के गुरु वशिष्ठ नहीं, जैसे एक ही नाम के कई लोग होते हैं, मोहन जी तो एक ही मोहन जी नहीं होगा, हिंदुस्तान में मोहन भाई कई होते हैं, कमला एक नहीं होगी, दिल्ली में कई कमलाएं होती, ऐसे ही वशिष्ठ ब्राह्मण और अरुंधति के रूप में हम रहते थे। ये मेरे बच्चे हमारे लिए रो रहे हैं, अभी यहां 12वां ही नहीं हुआ, पातक ही उतरा नहीं है और वहां मैंने वर्षों की कतार भोगी, मां ये मैं क्या देखती हूं? बोले अब अपन इनको देखते हैं, ये अपने को नहीं देख रहे क्योंकि अपने अंतवाहक शरीर से अपन संकल्प करें कि ये हमको देखे और अंतवाहक शरीर अंतवाहक से करें तब इनको अपन दिखेंगे। एक बार राजा की सवारी जा रही थी और तुम्हारे मन में हुआ कि हम राज्य सुख भोगे तो तुम दोनों की मृत्यु हुई, वो राजा पद्म हुआ वशिष्ठ ब्राह्मण और तू अरुंधति लीलावती हुई। अब चल तुझे तेरे पति से मिलाती हूं। तो उसका पति देखे तो राजकाट कर रहा है, वो मंत्री टहलवे
बोलिए मैं क्या देखती हूँ कि जैसी चित्त की संवित होती है मरने के बाद वो उस आकृति वाला जिसे प्रेत कह दो वो अपने अपने भावना के अनुसार वहाँ भी राजपाट ये वो सब करते रहते। जैसे स्वप्न में तुम बन जाते हो ना सेठ साहूकार ये वो ऐसे